आजकल हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि हमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हमने आपकी लाइफस्टाइल से संबंधित लगने वाली बीमारियों के बारे में हमारे पिछले वीडियोस में बात की हुई है। हमारी लाइफस्टाइल और टेंशन से जुड़ी हुई कई बीमारियां हैं। इसमें एक और बीमारी है जो है आपको रात को नींद नहीं आती। ये कई कारणों से हो सकता है। आपके दिमाग में कोई टेंशन, आपके दिमाग में किसी बात को लेकर उथल पुथल इसका कारण हो सकता है। आपके शरीर का अस्वस्थ होना भी नींद न आने के परिणाम के रूप में निकलता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप वैद्य जी की राय जरा गौर से सुने। आज हमारे साथ हैं जाने माने वैद्य जी आर निवास। तो आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिनके करने से आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के काम उनके रुके पड़े हैं और आजकल तो लोग अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं दे पाते और पूरी तरह से सो भी नहीं पाते और आगे जाके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें नींद आना ही बंद हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बड़ा जटिल जो है सवाल आपने किया है, क्योंकि नींद ना आने के तो बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत से कारण पैसे का भी हो सकता है, कोई रोग भी हो सकता है, रोग लग जाता है फिर भी नींद नहीं आता, पैसा नहीं होता है, पैसा खो जाता है तो भी नींद नहीं आता है। बाकी फिर भी कुछ घरेलू वैसे कि भी मेरे को कोई वैसी परेशानी भी नहीं है और नींद नहीं आती है, तो पीपला मूल का चूर्ण जड़ी बूटी है, पंसारी की दुकान से उपलब्ध है। पीपला मूल का चूर्ण गुड़ के साथ में दूध से या पानी से लेने से वर्षों की सोई हुई जो नींद आई नहीं, हाँ वो नींद भी वापस आ जाती है। पीपला मूल का इस्तेमाल आपने बताया, उसकी कितनी मात्रा हमें रखनी चाहिए? वो जितने भी चूर्ण हैं सबकी मात्रा बराबर ही होती है, 5 ग्राम यानी छोटा चाय का चम्मच, उतनी मात्रा लीजिएगा, दूध से लीजिए गुड़ के साथ शाम को सोते समय, क्योंकि तभी सोना है ना। दूसरा उपाय है ये जायफल सब्जी वाला, छोटा सुपारी जैसा होता है, सुपारी से कुछ छोटा ही होता है जो है, जायफल को 2-4 बूंद पानी डाल करके उसे घिसिएगा और घिसने के बाद में 2 बूंद देसी घी मिला करके पेस्ट जैसा बन जाएगा, पलकों पर लगाइए तो आराम से नींद आ जाएगी। और अगर घर के अंदर कोई है तो चमेली का तेल या खसखस का तेल, खसखस बहुत ठंडी होती है, खसखस का तेल सर में मलने से तुरंत नींद आ जाती है और ये एक सुपर चिकित्सा भी हो गई। जब कोई आहिस्ता आहिस्ता सर में हाथ फेरता है तो वैसे ही नींद आ जाती है, इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं। तो जाना आपने कि आप अगर नींद ना आने की बीमारी से परेशान हैं तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। आपको बता दें कि वैद्य जी द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेद पर आधारित थी, इसे डॉक्टर की राय के रूप में ना लिया जाए, ये केवल आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की शिक्षा के रूप में है। अगर आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं, आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें आयुर्वेद समाधान।